में प्यार की बरसात हो दिखाती हैं। क्या राधे श्याम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। वैलेंटाइंस डे के दिन राधे श्याम फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था। अब रोमांटिक फिल्मों की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। वैलेंटाइन का दिन अपने प्यार के इजहार करने के लिए सबसे खास माना जाता है। दुनिया 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाती है और इस दिन आप अपने प्यार का इजहार करके सामने वाले को अपना बनाते हैं। बॉलीवुड में बनने वाली 90% फिल्में प्रेम पर आधारित होती हैं और हिंदी फिल्मों के रोमांटिक सीन्स और गाने के दिलों में इश्क जग जाते हैं। हम बात करते हैं राधे श्याम से पहले की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ मशहूर प्रेम कहानियों की। फिल्म कयामत से कयामत तक बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक फिल्मों में शुमार है, जिसे देखकर किसी को भी प्यार हो जाएगा। फिल्म में आमिर खान और जूही चावला हैं। फिल्म को 30 साल हो गए हैं लेकिन ये आज भी लोगों के जगह में बसी हुई है। अब लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आई थी। फिल्म को डायरेक्ट मंसूर खान ने डायरेक्ट किया था और फिल्म के गानों के भी काफी लाजवाब थे और राज सिंह और रश्मि राजपूत के प्यार की कहानी बताती है। इस फिल्म में दोनों के परिवार आपस में दुश्मन हैं और उनके रिश्ते को पसंद नहीं करते। अपने परिवार वालों के विरोध के कारण दोनों शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं। फिर आती है फिल्म एक दूजे के लिए। फिल्म काफी रोमांटिक थी। ये फिल्म 1981 में बनी थी। फिल्म के मुख्य किरदार में कमल हसन थे और फिल्म को बालाचंद्र ने डायरेक्ट किया था। जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो नुकसान हो जाने के डर से किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे नहीं खरीदा। 10 लाख के सीमित बजट में बनी इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। फिल्म को एक नेशनल और 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे और फिल्म में लक्ष्मीकांत पायरेलाल का म्यूजिक बहुत हिट रहा था। रोमांटिक, सैड और फन सॉन्ग इस फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म में एक गाना है मेरे जीवन साथी। इस गाने के लिरिक्स बहुत मजेदार है। फिल्म में क्लाइमैक्स में रति और कमल दोनों ही किरदार पहाड़ से कूद कर आत्महत्या कर लेते हैं। इस फिल्म को देखकर कई प्रेमी जोड़ी ने भी आत्महत्या कर ली थी। और अब बात आई थी कि भाईजान की फिल्म 1989 में आई सलमान खान और भाग्यश्री स्टारर मैंने प्यार किया है गाने और वो प्यारी सी लव स्टोरी आज भी लोगों को अच्छे से याद है। मैंने प्यार किया है आमिर लड़के और गरीब लड़की की प्रेम कहानी है और सलमान खान, भाग्यश्री और आलोक नाथ के साथ सूरज बड़जात्या ने पर्दे पर क्या कमाल की लव स्टोरी दी थी, वो आज भी जिंदा है। प्यार की बात हो और 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी बात ना हो तो प्यार अधूरा लगता है। इसमें बॉलीवुड को अलग ही दिशा दी है। बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के राज सिमरन आज भी प्रेमी जोड़ी के आदर्श बने हुए हैं। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जैसे डायलॉग्स आज भी प्रचलित है। शाहरुख खान और काजोल स्टारर फिल्म का विकल्प कोई और फिल्म नहीं हो सकती। 14 जनवरी 2000 को रिलीज हुई फिल्म कहो ना प्यार है कि आज 21 साल पूरे हो चुके हैं और 2000 में रिलीज हुई सारी फिल्में ऋतिक रोशन की ब्लॉकबस्टर एंट्री के साथ फीकी पड़ गई थी। और इस फिल्म में ऋतिक और अमीषा पटेल दोनों ने डेब्यू किया था। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है अब तक की सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने वाली है। बॉलीवुड में अभी तक ऐसी फिल्में नहीं बनी है जिसने एक साथ 102 अवार्ड्स जीते हों। इस फिल्म ने दर्शकों के बीच खूब धमाल मचाया था। ऐसे ही प्यार के सरोवर एक मूवी का डायरेक्शन राधा कृष्णन कर रहे हैं जिसका नाम राधे श्याम है, जिसमें प्रभास और पूजा हेगड़े रोमांस करते नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये प्यार भरी बातें खत्म करते हैं। इस वीडियो की स्क्रिप्ट मनीषा जैन ने लिखी है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अलविदा।